हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें कि हमने फर्स्ट टाइप फिजन के बारे में डिस्कस किया था। आज की मेरी वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आगे के और टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सेकेंड टाइप है बडिंग। Budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site. Or it is a procedure in which parent individual creates a smaller individual known as bud by mitotic cell division. Budding जो है asexual reproduction का एक type है। ये किसी organism की एक specific या हम बोल सकते हैं particular sites पे होगी। और क्या होता है, उस particular site पे जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, उनमें डिवीजन हो जाती है और क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको क्या बोलेंगे, बड। और उसी बड से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये जो सेल डिवीजन होती है ये कौन सी होती है, माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, यानी कि माइटोसिस से जो है सेल डिवाइड करते हैं और वहीं से जो है एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोजीनस और एक्सटर्नल बडिंग, एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग। बडिंग जो है दो टाइप की है, एक्सोजीनस और एक्सटर्नल बडिंग बोल सकते हैं, एंडोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग बोल सकते हैं। एक्सोजीनस बडिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा का, स्काइफा का और ईस्ट का, ठीक है। और जो एंडोजीनस बडिंग है उसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं स्पॉन्जेस का, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का स्पेशली, और कुछ जो है मैरीन वाटर स्पॉन्जेस में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग मेथड से होती है, एंडोजीनस बडिंग मेथड से। एक्सोजीनस बडिंग, इस बडिंग को हम एक्सटर्नल बडिंग भी बोल सकते हैं। इन दिस द न्यू ऑर्गेनिज्म और द बड डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ द मदर एंड एक्सटेंड टू द आउटसाइड, देन इट मैच्योर्स एंड डिटैचेस फ्रॉम द मदर पेरेंट बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बडिंग जो है इसमें क्या होता है कि जो मदर पेरेंट होगा उसके एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होगा, एक बड की फॉर्मेशन होगी। बड की फॉर्मेशन कैसे होगी, सेल डिवाइड करेंगे माइटोटिकली और क्या होगा, एक बड की फॉर्मेशन होगी और वो बड फिर मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, वो मदर पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सोजीनस बडिंग इज कॉमनली सीन इन हाइड्रा, स्काइफा एंड ईस्ट। एक्सोजीनस और एक्सटर्नल बडिंग, टोरुलेशन इन ईस्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ईस्ट राइजोपस में भी आप जो है टोरुलेशन मेथड से बडिंग मेथड देख सकते हो। और हम बोल सकते हैं ईस्ट के केस में एक्सटर्नल बडिंग होती है, एक्सोजीनस बडिंग होती है और इस बडिंग को हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन, क्योंकि ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ईस्ट सेल में क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आती है और उसको क्या बोलते हैं, हम बड बोलते हैं। जो आउटग्रोथ डेवलप होगी यूनिसेलुलर सेल से उसको क्या बोलेंगे, हम बड बोलेंगे। और ये वन डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट इन टू द बड कंस्ट्रिक्शन एट द बेस एंड सेपरेट। समटाइम्स अ सेल मे बियर टू और मोर बर्ड्स, ईच ऑफ विच ग्रोज मोर बर्ड्स, द कॉम्प्लेक्स बडिड कंडीशन इज कॉल्ड टोरुला स्टेज। सेल की जो डिवीजन होती है उससे बर्ड की फॉर्मेशन होती है और वहां पे क्या होता है, पेरेंट बॉडी का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जो एक न्यूक्लियस होता है वो पेरेंट बॉडी में रहता है और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो बड में शिफ्ट कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो बड जो है सेपरेट होती है या हम बोल सकते हैं पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम ईस्ट के केस में क्या बोलेंगे, टोरुलेशन बोलेंगे। अगर ईस्ट में एक से ज्यादा बड की फॉर्मेशन होती है तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, हम टोरुला स्टेज बोलेंगे। एक्सोजीनस एक्सटर्नल बडिंग और टोरुलेशन इन ईस्ट। ईस्ट जो है नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसमें एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनती है
और उसके बाद क्या होता है, जो मदर का न्यूक्लियस होगा वो भी डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस मदर सेल में रहेगा और एक डॉटर सेल में जो बड बनी होगी उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जब बड जो है फुली ग्रो कर जाएगी उसके बाद बड जो है सेपरेट हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं डिटैच हो जाएगी मदर बॉडी से और डॉटर सेल बना देगी। क्योंकि हमें पता है जो बडिंग मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो हमें याद रखना है कि इसमें जो डॉटर सेल बनेगी वो क्लोन होगी अपने पेरेंट सेल की, और बोलने का मतलब है कि उसका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होगा जैसा पेरेंट सेल का होगा। एक्सेप्शनल केस तब हो सकता है अगर सेल में म्यूटेशन आ जाए, तो अब जेनेटिक मेकअप चेंज हो सकता है। इस टाइप की बडिंग को टोरुलेशन बोलते हैं, और ये आप ईस्ट के केस में देख सकते हो। ये यहाँ पे तो एक ही बड की फॉर्मेशन हुई है ना, और अगर एक से ज्यादा बड की फॉर्मेशन होती है तो वो कॉम्प्लेक्स बडिंग वाली मेथड को हम क्या बोलेंगे, टोरुला स्टेज। एक्सोजिनस एक्सटर्नल बडिंग इन स्काइफा। स्काइफा की जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये 2-3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसमें ये सीलिया है, ये ऑस्क्यूलम है, और इसमें जो है स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, इनसे क्या है वाटर अंदर जाता है और फिर वाटर जो है सेंट्रल जो कैविटी होगी उसमें इकट्ठा होगा। स्पॉन्जेस क्या करती हैं, इसी वाटर से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, मतलब फूड लेती हैं, वाटर लेती हैं और फिर ऑक्सीजन लेती हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिर वो वाटर जो है इन ऑस्क्यूल से जो है आउट हो जाता है, एग्जिट कर जाता है, और अपने साथ जो वेस्ट मटेरियल होगा स्पॉन्जेस के अंदर वो भी बाहर ले जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि बेस से एक आउटग्रोथ अराइज होगी, फिर उसके बाद जो है वो जो बड की फॉर्मेशन होगी वो साइज में बड़ी होगी, ऑस्क्यूल्स की फॉर्मेशन होगी उसमें, और हो सकता है उसके बाद वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड रहे और वैसे ही फंक्शन करे, या हो सकता है वो सेपरेट हो जाए और अलग सबस्ट्रेटम पे जाके इंडिविजुअली फंक्शन करे। एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में भी एक्सटर्नल बडिंग होती है, मतलब कि जो बड फॉर्मेशन होगी वो पेरेंट बॉडी के सरफेस पे होगी। फॉर जैसे कि ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें क्या है एक पर्टिकुलर साइट पे, एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, बड की फॉर्मेशन हो जाएगी बॉडी के सरफेस पे, फिर वो बड में ग्रोथ होगी और बड मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद जो है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, डिटैच्ड हो जाएगी और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी, मतलब कि डॉटर हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। बडिंग का जो सेकेंड टाइप है वो है एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग। इन एंडोजीनस बडिंग न्यू ऑर्गेनिज्म और दी बड डेवलप्स इनसाइड दी मदर सेल। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ बडिंग इज सीन इन दी ऑल फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस एंड सम मैरीन फॉर्म्स लाइक फिकुला एंड टिथिया। इन दिस दी बड डेवलप्स इनसाइड दी बॉडी, एंडोजीनसली डेवलपिंग बड इज कॉल्ड एज गैम्यूल्स। बडिंग का जो सेकेंड टाइप है वो है एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग। इसमें क्या होता है, जो बड की फॉर्मेशन होती है वो मदर बॉडी के इनसाइड होगी, ठीक है, अंदर होगी। इस टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब बडिंग मेथड से, वो आप ऑल जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती हैं उनमें देख सकते हो, और कुछ मैरीन स्पॉन्जेस में भी होती है, क्योंकि इसमें जो बड की फॉर्मेशन होगी वो पेरेंट के बॉडी के इनसाइड होगी, अंदर होगी, तो इस टाइप के बड को गैम्यूल्स बोलते हैं। जितनी भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं उनमें जो है जो बड की फॉर्मेशन होती है वो पेरेंट बॉडी के अंदर होती है, ठीक। तो इसमें जो बड की फॉर्मेशन होती है उसको गैम्यूल्स बोलते हैं। गैम्यूल इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये इसका पोर है, माइक्रोपाइल बोलेंगे इसको हम, और ये जो अंदर सेल्स हैं इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये टोटिपोटेंट सेल हैं, इनमें सेल डिवीजन हो सकती है। टोटिपोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे कि एक सेल से पूरी बॉडी की फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स बन सकते हैं, फिर उनसे बॉडी बन जाएगी। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स हैं। स्पॉन्जेस के केस में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, मतलब स्पॉन्जेस वाटर में रहती है ना, तो कभी जैसे
क्या होगा, ड्राई हो जाएगा वाटर पूरा, या फिर विंटर कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पॉन्जेस होती हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बड फॉर्मेशन करेंगी और उसको गैम्यूल्स बोलेंगे। ये जो आर्क्योसाइट सेल्स हैं ये गैम्यूल के अंदर रहेंगे और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी डिके हो जाएगी और उस टाइम जो आर्क्योसाइट सेल है वो माइक्रोपाइल से बाहर आ जाएंगे और उनमें फिर सेल डिवीजन होगी और न्यू स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक गैम्यूल से जब इतने ज्यादा आर्क्योसाइट सेल बाहर निकलेंगे तो कम से कम 100 स्पॉन्जेस तो बन जाती हैं। फिर उनमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो एसेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन हो जाती है। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन मेथड पढ़ लिया था जिसको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, और आज बडिंग मेथड पढ़ा, और अब थर्ड जो टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है, फ्रेगमेंट बन जाते हैं उसके, और जो ईच फ्रेगमेंट होता है वो इंडिविजुअली फंक्शन कर सकता है, मतलब जितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे उतने न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन हम कॉमनली स्पाइरोगैरा, स्पॉन्जिस, एकाइनोडर्म जैसे कि स्टारफिश एक्सेट्रा में देख सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन स्टारफिश, स्टारफिश फाउंड इन नियरली ऑल मैरीन हैबिटेट। इनका जो फाइलम है एकाइनोडर्मेटा है, जैसे ये पेरेंट स्टारफिश है तो इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और आर्म जो है सेपरेट हो जाएगी और उससे जो है एक न्यू स्टारफिश बन जाएगी। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा जो है एल्गी है, ये इसका न्यूक्लियस है, सेप्टा है, सेप्टा फॉर्मेशन हुई है और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरोगैरा को प्लांट्स में इंक्लूड ही इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्योंकि स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी वजह से इसका नाम स्पाइरोगैरा है। ये पेरेंट बॉडी है, जब पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट्स होते हैं तो दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनके लिए ये यूजफुल है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू।